हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12th आप लोगों का दोस्तों केमिस्ट्री का ठीक है ना एकदम महत्वपूर्ण मॉडल सेट को जानेंगे दोस्तों, जो कि आप लोगों को फाइनल एग्जाम 2022 के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया गया जो पहले से एग्जाम में पूछे गए हैं और बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे। एकदम 70 क्वेश्चन को कवर किए हैं दोस्तों। अगर यहाँ से आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप लोग को 20-25 क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पहले से एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ऑलरेडी, और एग्जाम में बिल्कुल यहीं से आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लोग को बतला रहे हैं ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने दोस्तों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताना 17 क्वेश्चन में से आप लोग कितने सही करते हो ठीक है ना, क्योंकि सारे गेस के हुआ क्वेश्चन है जो कि 2022 के लिए एकदम दोस्तों परफेक्ट साबित होता है कि बिल्कुल पूछे जा सकते हैं ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो, बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि रवा कितने प्रकार के थे, पहले जान लीजिए। आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से सिर्फ 35 का ही जवाब लगाना है ठीक है ना। तो आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो आप लोग चैट में आंसर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग का रिजल्ट है दोस्तों ये बेहतर हो सके, क्योंकि आंसर देने से दोस्तों क्वेश्चन याद होते हैं, आंसर भी याद हो जाते हैं ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सभी लोग आंसर लगाए तो क्या देंगे, रवा कितने प्रकार के थे दोस्तों। पहले से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो एकदम गर्दा उड़ा देना इस क्वेश्चन में। चलिए रवा कितने प्रकार के होते हैं, एकदम वीडियो को जितना हो सके दे देना एकदम शेयर कर दीजिएगा ठीक है ना। चलिए रवा दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे, सभी लोग चैट में आंसर देना दोस्तों। चलिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है, आप लोग ऐसे ही वीडियो में लास्ट तक बन रहे हो दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का था दोस्तों कि H2O में ठीक है ना बार में किस प्रकार का अबंध पाया जाता है, H2O दोस्तों बार में ठीक है ना इसमें किस प्रकार का अबंध पाया जाता है बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा, सभी लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए H2O यानी कि दोस्तों H2O में जो दोस्तों अबंध पाया जाता है ठीक है ना, बार्फ दोस्तों जो इसमें अबंध पाया जाता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्यों यार H2O में जो बार्फ जो पाया जाता है वो किस प्रकार का अबंध होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, यहाँ से आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हो एकदम तहलका मचा दोगे ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक फैराडे दोस्तों कितने कूलाम के इक्वल होता है, एक फैराडे दोस्तों कितने कूलाम के बराबर होता है ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, सब लोग कमेंट कीजिए कि कूलाम तो आप लोग को दिया, कूलाम में आप लोग को याद रखना होगा ठीक है ना। तो कूलाम यानी कि दोस्तों 96,500 लगभग रहेगा तो उसको माना, लेकिन लगभग कहीं पर भी नहीं दिया गया दोस्तों, 96,500 कूलाम होता है इतना आप लोग ध्यान में रखना। अगर लगभग भी ऑप्शन में रहेगा दोस्तों तो लगभग को टिक कर देना, क्योंकि लगभग यानी कि दोस्तों लगभग होता है ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फोन नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं ठीक है ना, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहा जाता है, पहले से एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं ठीक है ना। और दोस्तों विशेष प्रतिरोध रहेगा तो उसके प्रतिरोधकता उसको बोलेंगे ठीक है ना, विशेष प्रतिरोध रह जाता है, यहाँ पर प्रतिरोध पूछा तो चालकता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एकदम गर्दा गर्दा कर देना आज के क्लास में। चलिए फाइव नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है, देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्य में लैम्डा एम का मान क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य में लैम्डा एम का मान जो होता है दोस्तों तानु कहने पर क्या होता है बताइए, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा, तनु कहने पर दोस्तों इंक्रीज हो जाता है ठीक है ना, प्रबल दोस्तों जो वैद्युत अपघट्य लैम्डा का जो मान होता है तनु कहने पर बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों एकदम सारे क्वेश्चन एकदम गेस के हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम 2022 के लिए एकदम परफेक्ट साबित होता है ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहे तो तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, एकदम 35 में 35 ठोक के आ जाना ठीक है ना। चलिए रासायनिक अधिशोषण की देखिए दोस्तों, रासायनिक अधिशोषण होता है, देखिए आप लोग अगर यहाँ से आप लोग 2 नंबर क्लियर करना चाहते हो तो कर लीजिए ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल आप लोग को 2 नंबर एग्जाम में पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स मैं आप लोग को क्लियर कराता हूँ, रासायनिक अधिशोषण होता है दोस्तों, तो आप लोग जान लीजिए रासायनिक अधिशोषण जो होता है माय डियर वो अनुत्क्रमणीय होता है, कैसे होते हैं तो रासायनिक अधिशोषण तो अनुत्क्रमणीय, अनु लगा दिए दोस्तों उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यहाँ तक क्लियर है ना। चले भौतिक अधिशोषण पूछेगा तो क्या कीजिएगा पता है आप लोगों को, भौतिक अधिशोषण पूछेगा तो उत्क्रमणीय लगा दीजिएगा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट रासायनिक पूछा तो ऑप्शन नंबर ए, भौतिक पूछेगा तो क्या देंगे, भौतिक पूछेगा तब जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर और कैसे क्लियर होगा, देखिए रासायनिक अधिशोषण जो होता है दोस्तों प्रबल वैद्युत दोस्तों प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है, वह दोस्तों रासायनिक अधिशोषण जो होता है वैद्युत भौतिक अधिशोषण वो दोस्तों बाउंड्री वर्क द्वारा जुड़ा होता है, प्रबल
बार्नर बस के दो, ये दोनों आप लोग क्लियर करें दोस्तों, यानी कि दो दोनों चार नंबर आप लोग को यहाँ से क्लियर हो गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का मुख्य है इसका क्या? देखिए लोहा का दोस्तों आप लोग निष्कासन पालना, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करो तो बिल्कुल ला सकते हैं वीडियो भी। चलिए लोहा का मुख्य अयस्क जो होता है दोस्तों हेमाटाइट होता है, ठीक है ना। हेमाटाइट होता है जो कि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को सूत्र को भी याद रखना है, ठीक है ना। लोहा का जो मुख्य अयस्क होता है दोस्तों हेमाटाइट होता है, जिसका सूत्र Fe2O3 होता है, ठीक है ना। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलेंगे। चलिए किस प्रकार के अयस्क का साधन दोस्तों चुंबकीय प्रत्यकरण विधि द्वारा किया जाता है, इसका बताइए तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए सब लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय यानी कि प्रत्यकरण विधि द्वारा किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना चुंबकीय कण का किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे चुंबकीय कण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कॉपर माटे में होता है दोस्तों, कॉपर माटे में क्या होता है बताइए इसका राइट आंसर, बहुत ही है सब लोग आंसर लगाइए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, कॉपर माटे पूछा, ठीक है ना। तो कॉपर माटे में दोस्तों जो होता है बताइए इसका राइट आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा रहा दोस्तों, Cu2S जो होता है दोस्तों पता था, FeOS होता है दोस्तों। आप लोग कॉपर का निष्कासन दोस्तों पढ़े होंगे ना, तो आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। तांबा का निष्कासन में आप लोग को ये पढ़ना, ठीक है ना। कॉपर माटे में जो होता है दोस्तों Cu2S और FeOS होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब अर्धसारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त पाया जाने वाला तत्व कौन सा, देखिए क्या कर रहा है अर्धसारणी के, ठीक है ना। अर्धसारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त जो पाया जाने वाला दोस्तों तत्व है वो कौन सा है, ये आप लोगों को बतलाना, ठीक है ना। एकदम गादा छुड़ा देना आज के क्लास में, सब लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए सब लोग दीजिए आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, चलिए बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, फॉस्फोरस हो जाएंगे, ठीक है ना। नाइट्रोजन के अतिरिक्त जो पाया जाता है दोस्तों वो फॉस्फोरस भी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे, ठीक है ना। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का एकदम परफेक्ट आंसर साबित होगा, ठीक है ना। संक्रमण तत्व को नाम से जाना जाता है दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व को, ठीक है ना। चलिए एकदम सभी एग्जाम के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम एग्जाम के लिए कह सकते हो परफेक्ट क्वेश्चन है सभी, एकदम एग्जाम में सेलेक्ट किए जाने वाला क्वेश्चन, क्योंकि पहले से एग्जाम में सेलेक्ट किया गया, तो हो सके 2022 में ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए, क्या देंगे जिंक है दोस्तों, क्या है जिंक बताइए सब लोग आंसर लगाइए, जिंक क्या है दोस्तों। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, सब लोग चलिए एकदम गादा गादा कर दें यार, ऑप्शन नंबर हो देंगे संक्रमण तत्व हो देंगे, क्या हो देंगे संक्रमण तत्व हो देंगे, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों एम एन क्यू पर प्लस दोस्तों प्लस, ठीक है ना। इसका एक ऑक्सी कारक क्या होता है, एक ऑक्सी कारक होता है दोस्तों किसके कारण दोस्तों होता है बताइए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो देंगे, क्या हो देंगे दोस्तों दिया दोस्तों डी खाता होता खाली होता है, यही कारण है दोस्तों यह ऑक्सी कारक, ठीक है ना। क्यों है तो आप लोग ध्यान रखना, खाली दोस्तों डी खाचअप के कारण दोस्तों Mn³+3 जो चार्ज दोस्तों यह ऑक्सी कारक का भांति व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए कहता है दोस्तों K2ZnOH का फ्लोरस का IPS नाम पूछा, ठीक है ना, तो बताइए। चलिए चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो देंगे या CrDi बताइए, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो देंगे दोस्तों। चलिए क्या बोला जिंक हाइड्रोक्साइड पोटेशियम बताइए इसका राइट आंसर, चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों, हम दो आप लोगों को ऑप्शन मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप तो बिल्कुल आशा के बतला दोगे एकदम बिल्कुल एकदम बहुत आसानी से, ठीक है। तो चलिए मैं आशा करूँगा बिल्कुल आप लोग बतला दोगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से भी अगर दोस्तों देख पाओगे तो आप लोग मार सकते हो, क्योंकि जिंक आप लोग थोड़ा सा दिमाग रहा तो मार दोगे, क्योंकि जिंक का चर्चा इसमें नहीं किया गया, देख सकते हो इसमें जिंक का चर्चा नहीं किया जाए, ऐसे ही कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी लगा सकते हो, लेकिन आप लोगों के लिए आंसर पूछाऊंगा आप लोग बताना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, एल्किन के द्विवंध का पता लगाने के लिए मिलाते हैं, देखिए एक बार नहीं कई बार बताया ये क्वेश्चन आप लोग को, ठीक है ना। एल्किन के द्विवंध का पता लगाने के लिए दोस्तों तरल Br2 मिलाते हैं, ठीक है ना। एल्किन के द्विवंध का पता लगाने के लिए तरल Br2 मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे, तरल Br2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है, ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छा, सब लोग आंसर लगाते जाना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कराया कि त्रिविम समय अवतार जिसका
संबंध दोस्तों आधारोपित वास्तुदर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है। त्रिविम दोस्तों समझौता जिसका संबंध अध्यारोपित वास्तुदर्पण प्रतिबिंब होता है को कहा जाता है। चलिए थोड़ा आप लोग को लग रहा है फिजिक्स पढ़े लेकिन वैसा बात नहीं, केमिस्ट्री है ठीक है ना, प्रतिबिंब प्रतिबिंब रूपता ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये एकदम इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं कई बार एग्जाम पूछा था कब कब आप लोगों का 2021 के लिए सेंटअप का एग्जाम जो हुआ था ना दोस्तों ठीक है ना, सेंटअप का ना इंटरनेट का मॉडल पेपर जारी हुआ था ठीक है ना, उसमें भी दोस्तों 5 मार्क्स में क्वेश्चन था। आप लोग का 2021 का फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें भी था, देखते जाना। और आप लोग का सेंटअप एग्जाम 2022 में हुआ उसमें भी था, सॉरी 2021 में ठीक है ना। देखिए फाइनल एग्जाम 2021, इंटरनेट मॉडल पेपर 2021, आप लोग का सेंटअप एग्जाम 2021, ये तीनों में यह क्वेश्चन आया हुआ, तो आप लोग बताओ इसको याद रखोगे कि नहीं। कहता है कि क्लोरोफॉर्म को ठीक है ना CHCl3 को ऑक्सीजन से CH3Cl3 ठीक है ना दोस्तों, CHCl3 को दोस्तों क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दोस्तों किसके साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। दो ऑप्शन दिए गए दोस्तों बताइए, ये तो दोनों होगा नहीं, तो आप लोग का बताइए फॉस्फीन होगा या फॉस्फीन होगा, एकदम 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 गादा कर देना ठीक है ना, एकदम सब लोग बताइए। चलिए बहुत अच्छा बात है दोस्तों, फॉस्फीन हो जाएंगे ठीक ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एल्कोहल को दोस्तों क्या एल्कोहल और फिनॉल बनने में एल्केन का ठीक है ना, एल्कोहल जो होता है दोस्तों ठीक है ना एक फिनॉल होता है ठीक है ना, इस प्रकार का स्ट्रक्चर फिनॉल का होता है ठीक है ना। चलिए एल्कोहल और फिनॉल को बनाने में एल्केन एवं एरेन का, एल्केन दोस्तों क्या होता है CnH2n+2 होता है ठीक है ना, एरेन का एक हाइड्रोजन किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एल्केन जो होता है दोस्तों CnH2n+2 और दोस्तों एरेन का हाइड्रोजन होता है दोस्तों, एक हाइड्रोजन जो होता है किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, सब लोग माय डियर आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल करेक्ट आंसर अल्कोहल के द्वारा ठीक है ना, हाइड्रोजन तो दोस्तों क्या किया जाता है प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। चलिए ग्लिसरॉल दोस्तों क्या ठीक है ना, ग्लिसरॉल, चलिए चलिए बहुत ही अच्छा, सब लोग कमेंट कीजिए। चलिए ट्राई हाइड्रिक कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है उसका करेक्ट नहीं परफेक्ट आंसर देंगे। चलिए चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर क्यों देंगे ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, एकदम गाढ़ा गाढ़ा कर दिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग आंसर लगाते जाना, बेंजियम बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी उत्पन्न कौन सा है। चलिए बेंजीन का ठीक है ना, तो बेंजीन का दोस्तों साधारण हाइड्रोजन व्युत्पन्न पूछा, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल आप लोग गाढ़ा करके बता सकते हो ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छा, फिनॉल का होता है ठीक है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो जानबे करते हो दोस्तों, बार बार बतलाना जरूरी नहीं है ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर, फिनॉल इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग को IPSC नेम करना ठीक है ना, तो इसका आप लोग लगाओ आंसर एकदम गर्दा से। चलिए सब लोग लगाना आंसर ठीक है ना, चलिए चलिए बहुत अच्छा, 2 5 यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर गिनती करोगे 1 2 3 4 5 यानी कि दोस्तों 2 5 ठीक है, 2 5 डाई मिथाइल फिनॉल, फिनॉल का दोस्तों स्ट्रक्चर या 2 मिथाइल देख सकते हो ठीक है ना। अगर आप लोग को गिनती भी नहीं करने आता है तो आप लोग देखो यहाँ पर एक दोस्तों हाइड्रोक्सी का भी होगा, आप लोग सोचो 2 मिथाइल दिया गया तो डाई ठीक है, क्या देगा 2 मिथाइल दिया तो डाई मिथाइल, 2 5 पर दिया गया डाई मिथाइल फिनॉल हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का डी करेक्ट आंसर, बिल्कुल एग्जाम के एकदम परफेक्ट के लिए एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए ये भी आप लोग एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग विश्वास करना ठीक है ना। क्लोरोइथेन अमोनिया सब क्रिया करके जो बनाता है दोस्तों इथेनेमिन बनाता है ठीक है ना, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा दिया गया है, ए होगा बी होगा सी होगा, सभी लोग कमेंट करना। तो चलिए क्लोरोइथेन दोस्तों क्या होता है, तो C2H5Cl अमोनिया सब क्रिया करता है, NH3 से रिएक्शन करता है दोस्तों ठीक है ना, तो इथेनेमिन का निर्माण करता है ठीक है ना, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम गर्दा करके ऑप्शन नंबर ए को चलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन एकदम बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए एकदम परफेक्ट साबित होता है ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहो माय डियर। कहता है एमाइट का LiAl दोस्तों H4 से अवकृत होकर के दे देता है, क्या दे देता है बताइए, तो सब लोग एकदम दोस्तों धुआं धुआं कर दो बतला करके ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छा एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल्काइलमिन बनता है, क्या बनता है एल्काइलमिन, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2022 के लिए, एकदम बिल्कुल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कहता है एमाइट का LiAl
H4 से अपकृत होकर के देता है तो एल्किल अमीन देता है, एल्किल अमीन देता है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, एकदम एग्जाम एकदम तहलका मचा देना एकदम 2022 में, ठीक है ना। चलिए ये सीडोलोएज का IPSC नाम पूछा है, कुछ नहीं करना है, अगर एग्जाम में आता दोस्तों CS3 सीडोलोएज तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों इसका इथेनोइक अम्ल होता है, लेकिन IPSC में दोस्तों इथेनोइक अम्ल होता है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर कार्बन नहीं है, ठीक है ना, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए मिथेनोइक अम्ल होना चाहिए, ठीक है ना। एकदम बहुत ही एकदम गर्दा गर्दा कर दिए आप लोग यार, एकदम सेम वीडियो को भी शेयर कर देना, ठीक है ना। चलिए चलिए ऑप्शन नंबर सी देंगे दोस्तों, अगर यहां पर CH3 कर देंगे ना, CH3 सीडोलोएच इसका तो दोस्तों जानते होंगे स्टिक का, लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहां पर देखो कार्बन की संख्या एक है, इसीलिए इसका इथेनोइक अम्ल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे माय डियर। चलिए बहुत अच्छा, एकदम सब लोग वीडियो में लास्ट तक बने दोस्तों, एकदम एकदम धुआं धुआं कर देना, ठीक है ना। चलिए इसका पूछेगा तो एथेनोइक अम्ल देंगे, ठीक है ना, इसका पूछेगा तो मेथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना सभी क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है। ऑक्जेलिक का IUPAC नाम क्या, ऑक्जेलिक अम्ल का इथेनोइक, ठीक है ना, इथेनोइक नहीं, ठीक है ना, बताइए 25 का, सब लोग आंसर लगाना, ठीक है ना। चलिए चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, एकदम एग्जाम में भी आप लोग ऐसे ही तहलका मचा देना, ठीक है ना। 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इथेन डाइओइक, ठीक है ना, डाइओइक अम्ल, इथेन डाई मतलब दोस्तों क्या है, डाई मतलब दो ओइक अम्ल, ठीक है ना, दो ओइक होता है ना ओइक अम्ल, वो वाला इथेन तो जानते होंगे दोस्तों C2H5 होता है, और दोस्तों अम्ल का मतलब सीडोलोएच, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए माय डियर क्या कहता है 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए मिथाइल साइनाइड रहे या नाइट्राइल रहे, बात बराबर माय डियर, ठीक है ना, साइनाइड को नाइट्राइल कहा जाता है। चलिए आंसर लगाइए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मिथाइल दोस्तों नाइट्राइल या साइनाइड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, CH3CN होता है माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, एसीडोलोएच होता है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जाल में घुलनशील है, देखिए साधारण दोस्तों जो होता है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल जाल में घुलनशील होता है, क्योंकि उनके बीच जो होता है दोस्तों कौन बांध होता है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, कौन बांधे हैं उनके बीच, ठीक है ना, बताइए माय डियर एकदम गर्दा करके एकदम बताइए राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही प्यारा लाल, एकदम बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए फ्रुक्टोज का सूत्र पूछा, ठीक है ना, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, चलिए C12H22 नहीं C6H12O6, ठीक है ना, फ्रुक्टोज, ठीक है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज का भी होगा लेकिन फ्रुक्टोज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का एकदम परफेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। 28 का क्या होना चाहिए ये, चलिए देखिए आप लोग का 2 मार्क्स में नहीं 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारण करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, क्या कहता है, देखिए 2 नंबर क्लियर करा देंगे, वीडियो को लाइक ठोक दीजिए एकदम जल्दी से। कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर के, जलांशित होकर के 3 से लेकर के, देखिए माय डियर 3 से लेकर के पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना, ओलिगोसैकेराइड क्या है, तो आप लोग ध्यान देना 3 से लेकर के क्या है 10 मोनोसैकेराइड देता है, तो आप लोग गर्दा बतलाओ यार, एकदम गर्दा करके बतला दो एकदम बिल्कुल एकदम परफेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर के 3 से 10 मोनोसैकेराइड देता है ओलिगोसैकेराइड कहलाता है, और माय डियर स्टूडेंट जो अनेकों देता है ना वो पॉलीसैकेराइड कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 से 3 से लेकर के 10, देखिए यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट 3 से लेकर के 10 तक पूछा, ठीक है ना, और 3 से 10 जो देता है दोस्तों ओलिगोसैकेराइड देता है, और सबसे दोस्तों लिमिट नहीं है उसका, अधिक देता है दोस्तों जिसकी कोई कल्पना नहीं है, पॉलीसैकेराइड कहलाता है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अमीनो अम्ल, ठीक है ना, अमीनो अम्ल का दोस्तों 2 सक्रिय मूलक होते हैं, ठीक है ना, या पहला सीडोलोएच दूसरा क्या होता है, देखिए आप लोग 18 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन एकदम गर्दा करके बता दीजिए माय डियर, ठीक है ना। चलिए चलिए माय डियर बिल्कुल एकदम गर्दा करके बता दो, ये एकदम मजा आना चाहिए, एकदम क्लास जोश के साथ करो, ठीक है ना, लग रहा है कि फाइनल एग्जाम बैठे ऑनलाइन दे रहे हैं। चलिए अमीन हो जाएंगे माय डियर, ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया तो होगा नहीं, अमोनियम तो होगा नहीं, अल्कोहल तो होगा नहीं, चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अल्फा दोस्तों, अल्फा अमीनो अम्ल को पॉलीमर को क्या कहता है, अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहा जाता है, चलिए एकदम गर्दा करके एकदम छूमंतर कर देना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए चलिए प्रोटीन हो जाएंगे माय डियर, अल्फा अमीनो अम्ल को पॉलीमर को जो प्रोटीन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए पॉलीथीन का बहुला क्या देगा, पॉलीथीन तो इथिन हो जाएंगे माय डियर, ये आप लोग ये मत समझ लेना, ठीक है ना, कि उपसर्ग प्रत्यय का बात, लेकिन वैसा बात नहीं, पॉलीथीन बहुला का तो इथिन का, ठीक है ना।
चलिए, रबर स्टार्च एवं सेल्यूलोज एवं प्रोटीन है, क्या है बताइए तो, एकदम संश्लेषित रबर, प्राकृतिक रबर बताइए इसका सही उत्तर, एकदम गादा करके एकदम फूक देना है आंसर पर, ठीक है ना। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर बी वाला स्टूडेंट, एकदम गादा कर दिया आप लोग, ठीक है ना, गादा कर दिए बिल्कुल एकदम, प्राकृतिक पॉलीमर है, ठीक है ना, प्राकृतिक नेचुरल पॉलीमर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए माय डियर, कहता है 34 नंबर क्वेश्चन कि ब्यूना एस तथा ब्यूना एस एक प्रकार का क्या है। देखिए माय डियर, ये संश्लेषित रबर है, ठीक है ना, ठीक है, क्या है, ठीक है, क्या है बताए, संश्लेषित रबर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे माय डियर। चलिए, ज्वार को काम करने वाले दोस्तों दावा को ज्वारनाशी कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर की प्रत्यम्ल कहा जाता है, बताइए, एकदम ईजी क्वेश्चन है यार, एकदम गादा कर दीजिए इसका आंसर का। चलिए चलिए, ज्वार हारी कहा जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट, सी सॉरी सी हो जाएंगे, सी याद आएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी देकर के। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया करें, देखिए एकदम 4 नंबर 5 नंबर बिल्कुल तो यहाँ से एकदम परफेक्ट एकदम लूट लीजिए, ठीक है ना, फ्री में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है ना, सेकंड इनवर्स समय इनवर्स। माय डियर स्टूडेंट, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछता तो आप लोग जानते हो मोल इसमें दोस्तों क्या होता है, दोस्तों इनवर्स में नहीं होता, मोल होता है मोल, ठीक है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। और सेकंड के लिए दोस्तों जानते होंगे एकदम बिल्कुल लेटर दोस्तों, इसमें इनवर्स होता है दोस्तों, और उसमें जो होता है दोस्तों द्वितीय के लिए एल स्क्वायर होता है, यानी कि दोस्तों आप लोग ट्रिक से भी याद रखोगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगे, प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा ट्रिक लगाओ तभी आप लोग को याद आएंगे, ठीक है ना, ट्रिक भी लगाना समझिए। देखिए यहाँ से आप लोग को सेंटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग को दो मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाएगा अरेनियस का समीकरण क्या है, एकदम 100% आप लोग, देखिए आप लोग का स्क्रीन शॉट ले लो, एकदम 100% कहता हूँ माय डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि इस बार 2022 में अरेनियस का समीकरण क्या है एकदम बिल्कुल पूछेगा, दो मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना, दो मार्क्स में पूछेगा अरेनियस का समीकरण का, बताइए क्या अरेनियस का समीकरण, तो आप लोग एकदम बतला रहे ना दोस्तों, क्योंकि मैं एग्जाम से पहले आप लोग को करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, ऑप्शन नंबर वाला स्टूडेंट एकदम एग्जाम में एकदम तहलका मचा देंगे, ए के पावर जो तो जो होता है माइनस ए वाटा आर टी होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए ये तापक्रम दोस्तों का संबंधित से होता है, ठीक है, जो कि आप लोग को सेंटअप एग्जाम में पूछा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन को उत्प्रेरित करता है, कौन उत्प्रेरित करता है, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या देंगे, चलिए चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी देंगे, ठीक है ना, क्या कहें, ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में जल अपघटन को जो नियंत्रित करता है दोस्तों, प्रेरित करता है, जायमेंस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर कहता है कि अभिक्रिया स्टार्च प्लस जल माल्टोज को उत्प्रेरित करता है, इसका भी आप लोग बताइए तो क्या देंगे। चलिए चलिए बहुत अच्छा, जायमेस हो जाएंगे, ठीक है ना, जायमेस भी इसका भी हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिए आप लोग का करा सबसे मीठी साकड़ा क्या है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन, सबसे मीठी साकड़ा जो होता है दोस्तों वो फ्रुक्टोज होता है, क्या होता है, फ्रुक्टोज आप लोग का बिल्कुल एकदम फैक्टोज लिख दिया, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखना, फैक्टोज आप लोग का बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए बहुत अच्छा, देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर का था पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर कौन है, ठीक है ना, तो पहला औद्योगिक दोस्तों संश्लेषित रबर कौन है, बताइए इसका राइट आंसर, इसका आप लोग कमेंट करके बताना, आशा है कि बिल्कुल बता देंगे ना, पहला संश्लेषित रबर, ठीक है ना, पहले भी आशा करें बिल्कुल एकदम बता देना माय डियर। चलिए फिनॉल क्या होता है, तो दिस बताइए इसका राइट आंसर, चलिए बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है ना, चलिए डिस इनफेक्टेंट होता है, ठीक है, डिस इनफेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोग का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, एकदम 43 नंबर क्वेश्चन लगाइए तो क्या देंगे आंसर, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना, 43 नंबर। चलिए हिंसा हिंसवर्ग अभिकर्मक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, C6H5CN जो होता है वो हिंसवर्ग अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है ना, 43 का चलिए बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 44 नंबर सॉरी कहता है दोस्तों एनिलीन, ठीक है ना, एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं इससे, तो दोस्तों अभी एक सौ ऑक्सीकारक है दोस्तों, कौन सा ऑक्सीकारक है बताइए तो। चलिए चलिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों H2 क्या SO5 हो जाएंगे। चलिए एमिन दोस्तों क्या दिखलाता है बताइए तो, 45 नंबर एमिन क्या दिखलाता है बताइए, चलिए सब लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए देखिए दोस्तों एमिन जो होता है चेन आइसोमेरेज में देखाता है, ठीक है ना, मेटामेरेज में दिखलाता है, यानी कि कह सकते हो ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अमीनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, देखिए अमीनो अम्ल आप लोग जानते हो परिभाषा वगैरह तो आप लोग जानते हो इसका करेक्ट आंसर भी, ठीक है ना। चलिए 46 का आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए अमीनो अम्ल जो होता है दोस्तों
वो आम लिखता था दोस्तों अमीन अमीन से बन के होता है, ठीक है ना, यानी कि दोस्तों सी डबल एच और एन एस टू का दोस्तों जो होता है दोस्तों वो मिला हुआ होता है, अमीनो अम्ल का आप लोग परिभाषा जानते होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि राइट आंसर चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए चलिए बहुत अच्छा, देखिए इसका दोस्तों जो होता है ज्यूटर आयन ये आप लोग को कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना H2CNC, ठीक है ना, CH2COOH तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आप लोग को याद नहीं होता तो आप लोग एग्जाम में देखना सबसे लंबा वाला, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। चलिए चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, देखिए आप लोग को कई बार एग्जाम में एकदम परफेक्ट क्वेश्चन साबित हुआ है, पूछेगा टेफ्लॉन क्या है, तो पूछेगा पॉलिस्टान है दोस्तों, नेप्रोन क्या है, तो सभी दोस्तों सैम्बोलक होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्लोरोमाइसोट क्या लिखा हुआ है, क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग किया जाता है, कि आप लोग का सेंटअप एग्जाम पूछा गया दोस्तों टाइफाइड के लिए, बताइए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, मेरे पर मत जाइए, ठीक है ना। चलिए माय डियर, चलिए बहुत ही अच्छा एकदम परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए कलोमर का सूत्र क्या होता है, एकदम सूत्र पक्का एग्जाम में रहेंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए एकदम गादा करके बता दीजिए तो, चलिए बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे HG2Cl2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए निम्नांकित में से किसकी आकृति दोस्तों भाग समतल ये है, चलिए इसका तो आप लोग बता देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, बी। चलिए ये क्वेश्चन बताइए सबसे दोस्तों त्रिज्या कम होते हैं संक्रमण तत्व में, एकदम बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट साबित होता है, जिंक जो होता है दोस्तों इसकी त्रिज्या सबसे कम होते हैं संक्रमण तत्वों की अवस्था में। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण तत्व को समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। चलिए n-1 d^(-10) एकदम बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट है, देखते मैं मार दूंगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी हो जाएंगे। निम्न में से कौन क्या कहता है चमड़े पर काला धब्बा पैदा करता है, AgNO3। चलिए बताइए सिल्वर नाइट्रेट, बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए नहीं मेरे प्यालाल, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका आप लोग कमेंट करके बता रहे, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, आप लोग भी इसमें सहयोग कर सकते हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा या सी होगा, ठीक है ना, बिल्कुल आशा है आप लोग कमेंट करके बतलाना, ठीक है ना, ताकि आप लोग एकदम सभी स्टूडेंट एकदम बेहतरीन तक इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है, IUPAC ने पूछा, ठीक है ना, तो टेट्रा चार है दोस्तों, ठीक है, सही में टेट्रा दिया गया है, कार्बोनिल होना चाहिए, चलिए कार्बोनिल तो इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया है, चलिए निकल भी, यानी कि सब सेम है, आप लोग सोचो निकल का आप लोग निकालोगे क्या होता है ऑक्सीकरण, तो जीरो आएगा, बस जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए इसका आप लोग निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो जीरो होगा, और क्या निकल दोस्तों हीरो है, ठीक है ना, इसका कोई भी अवस्था में दे देगा ना, तो इसका राइट आंसर जीरो ही आएगा, ये आप लोग बात ठान लीजिए, ठीक है ना। चलिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या माय डियर इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए, ठीक है ना, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, ठीक है ना, जालकों की संख्या 14 होती है, लेकिन यहाँ पर तंत्र की संख्या तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्यों देंगे बी, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। किस प्रकार के क्रिस्टल विभव जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, बताइए एकदम एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा हुआ एकदम परफेक्ट क्वेश्चन। चलिए ऑर्थोरॉम्बिक में दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए किसका हिमांकन में सबसे अधिक होता है दोस्तों, K2SO4। चलिए आप लोग आंसर देने पाएंगे, ठीक है ना, आप लोग आंसर करते रहना, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 17 ऑब्जेक्ट में कवर करना है, 10 और बचे हुए हैं, तो आप लोग बताते जाना। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 96,500 गुलाम दोस्तों CuSO4 बिलियन के से मुक्त करेगा, ठीक है ना, यानी कि 96,500 गुलाम है दोस्तों कॉपर सल्फेट, यानी कि बिलियन को सपे बिलियन से मुक्त करेगा, तो आप लोग ध्यान रखना 31.6 ग्राम तांबा कॉपर मुक्त करेगा, ठीक है ना। चलिए चलिए 62 नंबर का लगाइए, तो चलिए 62 का क्या देंगे, कहता है कि NaCl, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड के तानु जालीय बिलियन विद्युत द्वारा, ठीक है ना, विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त होगा, कैथोड पर तो H2 मुक्त होता पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये सभी बात तो बेसिक चीज है। चलिए 63 नंबर, देखिए थोड़ा आप लोगों को लंबा चौड़ा एकदम लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो बतलाना इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए चलिए ये आप लोगों का दिया गया 400 दोस्तों, ठीक है ना, सेल्सियस पर H2O2 का दोस्तों प्रथम कोटि की अपघटन के लिए आधार 346 मिनट है, ठीक है ना, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा, आधार दोस्तों अपने प्रारंभिक समय से अधूरे थे, इतना दोस्तों 346 दिया गया,
तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पूछा, तो ऑप्शन नंबर बी लेकर के चलेगा आप लोग, सॉल्यूशन करना तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम आएगा तो आप लोग सॉल्यूशन जानते हो, अगर आंसर जानते हो तो लगा देना, अगर वहाँ पर आएगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन करना, क्योंकि आप लोग के पास 70 विकल्प दिए गए, ठीक है ना, तो आप लोग फायदा उठाना। चलिए 64 क्वेश्चन, प्रथम कोटि क्या किया तो सेकंड इनवर्स अभी मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है ना। और इनवर्स का समीकरण ये भी मैंने आप लोग को बताया तो 65 का, चलिए ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल एग्जाम पूछा गया 2022 में, ठीक है ना, कि आरएनएस का समीकरण क्या, बिल्कुल आएगा एकदम 100% कर रहा हूँ। चलिए ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में जल अवघटन, देखिए ग्लूकोज और दोस्तों एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में जब जल दोस्तों अवघटन को उत्प्रेरित करता है तो कौन उत्प्रेरित करता है, ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में जल अवघटन को कौन उत्प्रेरित करता है। चलिए 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 बहुत अच्छा बात है दोस्तों, चलिए 66 का डी बिल्कुल करेक्ट है, चलिए सर तो वही क्वेश्चन आ रहा है। चलिए चलिए 47 नंबर बताइए, अभिक्रिया स्टार्च जल प्लस माल्टोज को उत्प्रेरित करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्यों देंगे। चलिए सब लोग बताइए इसका राइट आंसर क्यों देंगे। चलिए 67 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है ना, 67 का दोस्तों पूछा जायमेंस इसका भी होना चाहिए, तो आप लोग भी लगा सकते हो दोस्तों, बिल्कुल मेरे हिसाब से भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। चलिए मिला काट आया दोस्तों, मिले राइट आया इसका, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मिला काट नहीं पूछा, मिले राइट, ठीक है ना। चलिए 68 का बताइए, चलिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दे देंगे, मिला राइट तो दोस्तों आयास को होता है एन आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता है कि बाथ भट्टी में आयरन को ऑक्साइड में कौन अवकृत करता है, चलिए 69 का बिल्कुल एकदम सी, बिल्कुल एकदम कॉपर मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, बाथ भट्टी पढ़े ना दोस्तों, ठीक है ना, कॉपर का निष्कासन उसमें से बहुत ऑब्जेक्टिव आया, देखिए यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव आया, कॉपर मोनोऑक्साइड है। चलिए संपर्क विधि में बनाया जाता है, लास्ट क्वेश्चन डियर, संपर्क विधि में बनाया जाता है, संपर्क विधि में दोस्तों ओलिया बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना, ओलियम और सोडियम दोस्तों डाउन विधि से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर संपर्क विधि पूछा तो ओलियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। 17 का क्यों देंगे, चलिए भी बिल्कुल परफेक्ट है, अगर वीडियो पसंद है मार्ट देखें ना, नाइट्रिकम का पूछेगा तो स्टोबाल्ट विधि, इसे भी याद रखना। अगर वीडियो पसंद है मार्ट स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके ना उतना आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो जितना आप लोग मेहनत करोगे उतना मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।